Hello student, welcome to PDSE online classes. I study class 8, topic है roots and square roots. Students, इसके previous video में हम लोगों ने इस topic पर exercise को start किया था. आज हम इस video में exercise 6.3 देखेंगे. ठीक है? देखिए स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आपको एक कुछ वैल्यूज, कुछ नंबर्स बताए थे जो कि परफेक्ट स्क्वायर गिव्स करते हैं, और कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इन प्लेस पर अगर लिखें तो परफेक्ट स्क्वायर को गिव्स नहीं करते. जैसे अगर हमारे पास ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर में लिखने हैं, जैसे 2 है, ठीक है, 8 है और 3 है, 7. ये अगर नंबर हमें दिखते हैं यूनिट प्लेस पर, किस प्लेस पर? यूनिट प्लेस पर. यूनिट प्लेस पर अगर ये नंबर आए तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. और अगर यूनिट प्लेस पर हमारे पास यूनिट प्लेस गिव्स 0, 1, ठीक है, 4, 5, 6 और 9, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ये नंबर हमें रिमाइंडर रखने होंगे. अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 है बुक की, मैं इसे पढ़ता हूँ, देखिए ध्यान से. व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. यानी हमें केवल क्वेश्चन नंबर 4.1 सॉल्यूशन देखेंगे इसका. सॉल्यूशन हमारे पास जो नंबर है वो है 8, 9, 8, 0, 1. इसका यूनिट प्लेस देखिए, यूनिट नंबर, यूनिट प्लेस नंबर 1. इसका यूनिट प्लेस नंबर 1 है. तो मैंने कहा था अगर यूनिट प्लेस पर 1 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. इट इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. इट इज द परफेक्ट स्क्वायर. नंबर नेक्स्ट बी पार्ट हमारा 9, 9, 8, 5, 6. इसका यूनिट प्लेस नंबर देखें, नंबर 6 है. और मैंने कहा 6 होगा तो इट इज द परफेक्ट स्क्वायर. नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 9, 9, 8, 0, 1. 8001. ठीक है. तो इसके यूनिट प्लेस नंबर, यूनिट नंबर इज इक्वल टू 1. इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक. डी पार्ट में हमारे पास 6, 5, 7, 6, 6, 6, 0, 2, 5. यूनिट प्लेस नंबर है हमारे पास 5. सो इट इज
परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमें यूनिट प्लेस नंबर ये याद है, रिमेंबर है 0, 1, 4, 5, 6 और 9, तो हम फट से बिना सॉल्व किए बता देंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर 2, 3, 7, 8 यूनिट प्लेस पर नंबर दिखे तो हम कहेंगे वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में भी हमें देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 टू में कह रहा है विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन किए फाइंड द नंबर विच ऑफ श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। श्योर वो ये किया गया है परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो हमारे पास नंबर दिया गया है, नंबर दिया गया है, इसका हमें यूनिट प्लेस नंबर लिखना होगा, यूनिट प्लेस नंबर लिखना होगा। और अगर यूनिट प्लेस नंबर हमारे टेबल में है तो वह परफेक्ट है या नॉट परफेक्ट है। तो जैसे नंबर हमने नोट किया 153, ठीक है, सेकंड नंबर है 257, थर्ड नंबर है 408, और थर्ड के बाद फिफ्थ है 441। ये 4 प्रॉब्लम्स है। यूनिट प्लेस इसका 3 है, इसका 7 है, इसका 8 है और 1। मैंने बता दिया 3 है तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इफ यूनिट प्लेस 7 है तो ये भी क्या होगा, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 8 है तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट में 1, तो 1 मैंने कहा था 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर, तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हमारे अगर 1 प्लेस पर ये नंबर्स दिखे तो हम कहेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर है। कौन कौन से? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में हमारे पास स्क्वायर रूट कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स बाय विच द शुड बी मल्टीप्लीकेट शो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। तो पहला है 252, ठीक है, तो 252 लास्ट डिजिट हमारा क्या है 2 है, और 2 होने के कारण यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आइए देखते हैं तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा भी नहीं। 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 7 जा और फिर 7 1 जा। तो देखिए इसका पेयर नहीं बना, तो ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट, सेकेंड हमारे पास नंबर है 100, 400 कितना है 4, 1 मिनट, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लिया है, तो ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर दिस नंबर मल्टीप्लाई दिस नंबर multiply 7
अगर हम इस नंबर में यानी 252 में 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है 118 लास्ट डिजिट 0 से परफेक्ट स्क्वायर होगा 90 45 लेकिन इसमें पेयर नहीं है, यूनिट प्लेस पर जीरो भी होना चाहिए प्लस पेयर होना चाहिए। इसमें तीन ही डिजिट है, अगर ये 4 डिजिट होता तो यह स्क्वायर रूट होता, लेकिन यहाँ 3 डिजिट है इसलिए यह स्क्वायर रूट नहीं है। अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर में मल्टीप्लाई पाई देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सबट्रैक्शन। रिपीटेड सबट्रैक्शन से हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है। चलिए, तो हमारे पास जो नंबर 100, ठीक है, इसको सबट्रैक्टिंग मेथड से करना है। तो सबट्रैक्टिंग मेथड से करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 माइनस 1 99, नेक्स्ट स्टेप में 99 और 95, अगले स्टेप में 95 माइनस 5 90, यहाँ होगा 96, 96 माइनस 5 91, नेक्स्ट 91 माइनस 7 84, नेक्स्ट 84 माइनस 9 75, ठीक है, 75 माइनस 11 और 64 माइनस 31 51, 51 माइनस 15 36, ठीक है, और 36 माइनस 17
इसलिए ये स्क्वायर रूट होगा इसका 10। इस तरह से हम जितने भी ऑड नंबर हैं उनको सीक्वेंस में क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करते रहेंगे, तो एक नंबर आएगा ऐसा जिस पर क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट करके जीरो मिल जाएगा, और वो जितने डिजिट जितने स्टेप में चलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। इसका ये स्क्वायर यानी 100 का 100 किसका स्क्वायर है 10 का, और 100 स्क्वायर रूट किसका है 10। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 169। चलिए स्क्वायर रूट बताना है इसका, 169 का स्क्वायर बाय सबट्रैक्टिंग मेथड। चलिए शुरुआत करें, 169 माइनस 1 तो 168, नेक्स्ट 168 माइनस 3 165, 165 माइनस 5 160, 160 माइनस 7 153, 153 माइनस 9 144 माइनस 11 3 133, 133 माइनस 13 120 माइनस 15 98 माइनस 90 स्क्वायर रूट निकालें। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना है, जहाँ जो भी हमारा स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट नंबर है उसमें से एक ऑड नंबर को सबट्रैक्ट करते जाना है सीक्वेंस में, जैसे 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 15 17
ना इस 19, 21, 23, 25, 27 इस तरह से हम नंबर्स को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। जिस नंबर पर यह दोनों सब्ट्रैक्ट होकर के जीरो आ जाए उसके बाद हम स्टेप को क्या करेंगे फॉलो करेंगे। जितने स्टेप में हमारा नंबर जीरो आएगा वही उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। यानी 169 का स्क्वायर रूट 13 हुआ और इसके पहले 100 का स्क्वायर रूट हम लोगों ने 10 स्टेप में फॉलो किया था, इसलिए हमने 100 किसका स्क्वायर रूट था 10, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो स्टॉप हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।